जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पिहरीद के बोरवेल में लगभग 65 फीट नीचे गिरे राहुल को सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन कर निकालने और उसके इलाज के लिए मुख्यमंत्री के किए गए प्रयासों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए राहुल के परिजन और चंद्रपुर जेजेपुर के सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बड़ी घोषणा करते हुए राहुल के स्पीच थेरेपी और उसकी शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाने की बात कही। साथ ही राहुल के परिवार की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राहुल के परिजन को कलेक्टर दर पर रोजगार देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए राहुल की मां गीता देवी ने कहा कि आपने अपना नाती समझकर राहुल की जान बचाई है, इसके लिए मैं और मेरा परिवार जीवन भर आपका आभारी रहेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने राहुल के बारे में सूचना मिलते ही अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बचाव कार्य में कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राहुल की दादी को भरोसा दिलाया था कि उनका नाती सुरक्षित बाहर आएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बोरवेल से निकालने के बाद अस्पताल में इलाज कराना दूसरी चुनौती थी और इसके लिए उन्होंने एयर एम्बुलेंस के साथ ही देश के कुशल डॉक्टरों को भी तैयार रखा हुआ था। श्री बघेल ने कहा कि राहुल जिंदगी की जंग पहले बोरवेल में लड़ा और फिर अस्पताल में। इस अवसर पर चंद्रपुर विधायक राम कुंवर यादव साथ ही में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष चोलेश्वर चंद्राकार सहित विभिन्न समाजजन और साथ ही में प्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित रहे।